नहीं गलती मारे फिर अभी हो जाएगी तो अपने को कैसा पता चलेगा। आप क्या हुआ? लाइट है ना, अपना बंदा है ना इधर लाइट का। Thank you.
ओके रोहित, सबसे पहले जानना चाहेंगे किस चीज़ की तैयारी चल रही है? BCL शुरू होने वाला है 3-4 दिनों में। 12 तारीख को हमारा पहला मैच है दिल्ली के साथ। हम लोग बहुत ही एक्साइटेड है और हमारी जो तैयारी है जोर शोर से चल रही है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं, और बहुत पसीना हम लोग बहा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम रिजल्ट्स लेकर आएंगे और जीतेंगे इस बार। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, दिस इज़ माय 3rd BCL सीज़न, 2nd सीज़न विद द सेम टीम, सो आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड एंड ऑल द मोर एक्साइटेड बिकॉज ही इज़ देयर विद मी दिस टाइम। सो आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है पिच पर, बिकॉज इट्स समथिंग रियली न्यू फॉर हिम एंड ऑल्सो आई विल बी प्लेइंग दिस ईयर। पहला सीज़न है तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और कांचे के साथ तो आई थिंक बहुत मज़ा करने वाले हम, खेल कर भी और उसके बाद भी हम चेयर भी करने वाले, टीम को बहुत मज़ा करने वाले। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है हमारी, मैं बोलिंग भी करूँगा बैटिंग भी करूँगा, तो दोनों प्रैक्टिस चल रही है। पहले हम आके वार्म अप करते हैं, फिर जैसे कि आप देख सकते हैं फील्डिंग प्रैक्टिस होती है हमारी, और क्योंकि बॉल अलग तरह की है तो इसके साथ तैयारी भी अलग तरह की करनी पड़ती है। बॉल थोड़ी सी लाइट है और बहुत ज़ोर लगाओ तब भी धीरे ही पहुँचती है, तो बहुत ही डिफरेंट है ये जो हम नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं लेदर बॉल से, हम टेनिस बॉल से, तो उसी के हिसाब से हम तैयारी करें। लेकिन मैं रिवील नहीं कर सकता अभी कि हम किस तरह से तैयारी करने वाले, बाकी लोग भी हमें कॉपी कर लेंगे। 3-4 दिन के बाद 12 तारीख को हमारा पहला मैच है दिल्ली के साथ, तो यार बहुत बड़ा मैच होने वाला है वो। बहुत ज़्यादा प्रेशर है बिकॉज रिहर्सल्स का हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया है, एंड बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर हमें डेडलाइन मिल गई कि ये तारीख से मैच शुरू हो रहा है, सो वी हार्डली जस्ट गॉट अ वीक आई गेस टू प्रैक्टिस, एंड जो हमारा पहला मैच है इट्स विद दिल्ली, एंड दिल्ली सपोज टू बी द टीम विच हैज़ वन ट्वाइस BCL, सो पहला मैच हमारा उनके साथ है, अगर हमने उन्हें हरा दिया तो हराएंगे डेफिनेटली हराएंगे। सॉरी, टफ टीम आई थिंक दिल्ली ही सबसे ज़्यादा टफ टीम है, क्योंकि वो पिछले 2 साल से जीतती आ रही है और हमारा पहला मैच यूनिक के साथ है, और जितना हम सुन रहे हैं जितना मैंने उनके प्लेयर्स को देखा है, तो आई थिंक सबसे ज़्यादा टफ टीम दिल्ली होने वाली है। सेम योर बिकॉज दे आर वन ट्वाइस एंड लास्ट टाइम मैंने उनका मैच देखा था द वे दे प्ले, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल टीम हम हैं और काफ़ी हमने भी अपनी टीम को चेंज किया, लखनऊ ने बहुत अमेजिंग है इस बार चेंज किया, तो हमारी टीम बहुत अमेजिंग है। एग्जैक्टली, बहुत नए लोग आए हमारी टीम में इस साल की टीम बहुत ज़्यादा चेंज हुई है, एंड बहुत सारे नए लोग हैं, सो इट्स नॉट द सेम टीम जो पिछले साल थी, एंड बहुत अच्छे प्लेयर्स। मुझे लगता है कि अगर आप दिल्ली से पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा खतरनाक टीम कौन सी, तो वो लखनऊ का ही नाम लेने वाले हैं। थैंक यू। हाँ, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी और खूब जोर शोर से प्रैक्टिस कर रहे हैं बिकॉज 12 तारीख बहुत नज़दीक है और पहला मैच हमारा दिल्ली के साथ है, सो पूरी लखनऊ नवाबी जो टीम है वो बहुत एक्साइटेड है, और यहाँ पर सुश्रुत सर जो हमारे कोच हैं वो हमें फील्डिंग, कैचिंग, थ्रो कैसे करना है, बॉल वो सब दिखा रहे हैं। मेरा बारी आ गई, मैं आपको वापस देती हूँ। या सो आपने जैसा कि मैंने कहा खूब अच्छे से हम लोग यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुश्रुत सर जो हमारे हैं वो अच्छे से कोचिंग दे रहे हैं हमें, लॉट ऑफ फील्डिंग, लॉट ऑफ वार्मिंग अप, पहले आपने जैसे देखा होगा काफ़ी अच्छा वार्म अप हम करते हैं, बिकॉज क्या होता है अभी बहुत कट टू कट है, बहुत नज़दीक है टूर्नामेंट, सो जनरली क्या होता है इंजरीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, सो यू नीड अ गुड वार्म अप, उसके बाद आपका सेशन चलता है और लास्ट में कूल डाउन के लिए भी अच्छा सा कूल डाउन चाहिए होता है आपको। I don't, as a captain, take any pressure. It's just that we need to have some discipline, some responsibility and some freedom as well, because that's very essential. और मेरे हिसाब से हम लोग the most important thing is to be together, और सब लोग एक साथ एकजुट होकर लखनऊ नवाबी बनकर अच्छे से खेलें, अपना अपना अपनी अपनी जो काबिलियत है उसका प्रदर्शन अच्छे से करें, as a team work. Cricket is a team work, it's not just individual. और यहाँ पर मेरी ये जो चिट्टा है कि मेरी बेस्टी है, मेरी बड्डी है, देहरादून, हम दोनों देहरादूनी लड़कियाँ हैं, सो वी आर ट्राइंग टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ वट एवर वी हैव, और मेरे ख्याल से इट्स माई फर्स्ट BCL एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई गेट टू प्ले विद हर, यस, बिकॉज आई एम वॉचिंग हर फ्रॉम लास्ट 3 years, एंड शी इज बीन फैंटास्टिक, सो आई एम वेरी ग्लैड। ओके बाय। ओके बाय। बहुत अच्छी, आई थिंक आई एम द बिगिनर, आई डोंट नो अबाउट मोर, बट आई एम द इंटेंस, इट्स वेरी इंटेंस, 15 मिनट्स एंड यू कैन सी अस परस्पायर सो बैड, बहुत, एंड इट्स वेरी टायरिंग आल्सो, और हम लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, आफ्टर ऑल द डे वी आर डन विद आवर वर्क एंड देन कमिंग हियर, एंड इट्स गोइंग ग्रेट, बहुत अच्छी कोचिंग मिल रही है। या बट एक्चुअली लाइक आई सेड, अभी सिर्फ 15-20 मिनट हुए हमें प्रैक्टिस करते हुए, एंड वी आर ऑलरेडी परस्पायरिंग, हमारी हालत खराब हो चुकी है, एंड
But you know what keeps us going is that the fact that we are with people who are actually senior to us in this industry, but chilling with them and you know playing with them, it's so good because they don't make us feel that way. It comfort zone hai, and I think that adds a lot of flavor to the practice as well. थोड़ा बहुत है बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन BCL और वी आर विद द प्लेयर्स हु हैव ऑलरेडी बीन इन BCL एंड इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग ऑल्सो क्योंकि वो लोग हमें उतना ही सपोर्ट कर रहे हैं या ट्रीटिंग एज लाइक यार फ्रेशर्स तो है वी हैव टू गिव देम लिटिल मोर बिट ऑफ अटेंशन तो थोड़ा बहुत प्रेशर है बट आई थिंक इट्स गोना बी फन बिकॉज वी आर ऑलरेडी हैविंग सो मच फन इट्स नॉट प्रेशर बट आई थिंक वी आर गोना हैव फन या आई अग्री यू नो प्रेशर नॉट वो प्रेशर कि यार क्या होगा इट इज दैट कि यार भाग्यो वाले टीम से पहले आउट नहीं होना है दैट्स अ बिगर प्रेशर कि यार नाउ पीपल नो अस पीपल लाइक अस एंड क्रिकेट इज लाइक इंडियाज गेम यू नो पीपल एवरीबडी लव्स वॉचिंग क्रिकेट एंड वेन पीपल नो यू आप स्क्रीन पर अगर आप खेल रहे हो आप डक पे आउट हो रहे हो या फिर यू नो विकेट नहीं ले पा रहे हो वो उस चीज़ का प्रेशर वरना ऑल इज प्लेइंग विद एवरीबडी इट्स एवरीबडी नोज इट्स जस्ट फॉर फन एंड वी ऑल आर हियर टू हैव फन सबसे अगर टफ टीम की बात की जाए हमारी टीम में मैं हूँ तो फिर इट्स गोना बी टफ नाउ आई एम जस्ट किडिंग आई थिंक चंडीगढ़ इज अ प्रीटी टफ टीम बट लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स आउट फॉर अस सॉरी मैं भी आई एग्री है दैट चंडीगढ़ सो फार है बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स अब तक तो लग रहे हैं बट आई डोंट नो कुछ भी हो सकता है लाइक हु नोस हमने अब तक बाकी की टीम देखी नहीं है थैंक यू सो मच गाइस हेलो चलेगा हाँ जी ओके काफी स्वेट लग रही है काफी मेहनत करते हैं बहुत मेहनत हाँ तैयारी बहुत अच्छी चल रही है सिंस हमारे पास बहुत कम दिन थे तो उसके अंदर ही हमें सब कुछ कंपाइल करना है तो हम एक आधे पौने घंटे का पहले वार्म अप सेशन रखते हैं जिसमें जनरल वर्कआउट है उसके बाद हार्ड कोर प्रैक्टिस होती है एंड इट्स गोइंग वेरी वेल टीम इज डूइंग वेरी वेल आई एम वेरी हैप्पी थैंक यू वेल एक्चुअली हमारे पास बहुत कम टाइम था इस बार ट्रेनिंग का तो फुल ऑन हमारे कोचेज और हमारी टीम एक दूसरे को सपोर्ट करके बहुत हार्ड कोर प्रैक्टिस चल रही है हमारी तो आई होप कि इस बार BCL में अच्छा शो मिलेगा नहीं एक्चुअली नर्वस तो नहीं एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक फॉर्मेट ऐसा है कि क्रिकेट से एक्चुअली हम सबको बहुत प्यार है पूरा वर्ल्ड पूरा इंडिया और क्रिकेट देखता है तो एक्साइटमेंट अच्छा है क्योंकि फॉर्मेट अलग है और बहुत मज़ा आता है लास्ट ईयर मैं लखनऊ से ही खेला था तो मतलब मेरे लिए तो चेंज था काफ़ी इस फॉर्मेट को लेके बट एक्साइटेड है हाय गाइस व्हाट्स अप यार तो मैं लखनऊ नवाब से खेल रहा हूँ पिछले साल भी लखनऊ नवाब से खेल रहा था ट्रेनिंग इस बार बहुत स्ट्रांग हो रही है वी हैव अ न्यू कोच ही इज़ फैबुलस शिरोदकर सर इज़ वेरी गुड और इसके साथ साथ जैसे आप देख रहे हो हम लोग फील्डिंग पे बहुत ध्यान दे रहे हैं इसके बाद बैटिंग बॉलिंग शुरू करेंगे पर फील्डिंग इज़ अ बिग थिंग सो या फील्डिंग की प्रैक्टिस चल रही है एंड बहुत धूम धमाके से चल रही है यार पिछले साल मैं नर्वस था क्योंकि मुझे पता नहीं था फॉर्मेट क्या है मैं लेदर बॉल से खेल चुका हूँ पर इस बॉल से ऑल्सो हैविंग अ लॉट ऑफ कैमराज अराउंड यू वाइल प्लेइंग क्रिकेट तो वो एक क्रिकेटर वाली फीलिंग आ जाती है एंड वी ऑल एक्टर्स हम क्रिकेटर्स नहीं हैं बट वी आर प्रैक्टिसिंग वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू प्ले वेल और इस साल बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है फॉर्मेट क्या है पर बहुत सारे नए प्लेयर्स हैं जिनके लिए जो नर्वस है तो मैं उनको थोड़ा मोटिवेट कर रहा हूँ बिकॉज अपेरेंटली मैं सीनियर हो चुका हूँ सो मयूर जो मयूर मेहता जो है जो पिछले साल भी लखनऊ नवाब के सबसे अच्छे प्लेयर थे आई थिंक ही इज़ आ बेस्ट प्लेयर और अगर आप टीम पूछोगे तो मेरे हिसाब से दिल्ली इज़ द बेस्ट टीम और हमारा पहला मुकाबला जो है वो दिल्ली के साथ ही है सो वी आर नॉट स्केर्ड वी आर गोना गिव इट आर बेस्ट दैट्स अबाउट इट थैंक यू
तैयारी बहुत ही तगड़ी चल रही है और आप देख सकते हैं कि पूरी टीम लगी हुई है। बहुत सारा काम बचा हुआ है और शूट भी है, चल रही है शक्ति की, तो हेक्टिक हो गया है लेकिन इसमें भी मज़ा है, इट्स फन, लेट्स सी। देखिए, अगर आप ये सोचोगे कि वो टीम ज़्यादा स्ट्रांग है या ये टीम कमज़ोर है तो आप कभी खेल नहीं पाओगे। मेरे हिसाब से सारे ही स्ट्रांग हैं और क्रिकेट है, कब कहाँ किसका बल्ला चल जाए पता नहीं, क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, मैं ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ और मैं किसी को कमज़ोर नहीं समझती, तो मेरे हिसाब से पूरी दसों टीम परफेक्ट। प्रेशर तो हर दिन होता है, हर गेम में होता है, तो प्रेशर अगर नहीं होगा तो खेलेंगे कैसे, और प्रेशर होगा तो भी खेलेंगे कैसे, तो एक बैलेंस्ड है, देखते हैं। प्रैक्टिस हमारी ज़्यादा लेट होती है बिकॉज एवरीबडी जब तक सारे शूट खत्म करके फ्री हो जाते हैं तब हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। वी आर वेरी लकी टू हैव अ कोच लाइक दिस बिकॉज वो हमसे पहले वार्म अप्स करवाता है, देन सिंपल बैटिंग, सिंपल बॉलिंग एंड देन ही गोज कॉम्प्लेक्स एंड देन आज हम लोग मैच खेलने वाले हैं आपस में, सो इट्स एक्साइटिंग। डर भी लग रहा है बिकॉज क्रिकेट इज समथिंग आई हैव नेवर प्लेड। अभी तो एक्साइटेड हूँ, आई थिंक फील्ड पे नर्वस होने वाली हूँ पक्का। प्रेशर तो ज़्यादा है बिकॉज टीम्स जितने जो भी टीम्स आप देख रहे हो ऐसा लग रहा है शायद ये टीम में होते तो अच्छा होता, शायद वो टीम में होते तो अच्छा होता, बिकॉज ऑल द प्लेयर्स आर सो लाइक उनका जो कॉन्फिडेंस है वो फेस पे दिख रहा है एंड द बॉयज़ स्पेशली दे आर वेरी वेल इन क्रिकेट, सारे लड़के बहुत अच्छा खेल रहे हैं तो हम लड़कियों में थोड़ा सा प्रेशर है बट आई थिंक वी कैन मैनेज विद इट। अभी तक तो मुझे सबसे ज़्यादा टफ टीम मेरी मुंबई नहीं चंडीगढ़ की लग रही है बिकॉज उसमें ऑलमोस्ट सारे MTV के हमारे फेसेस हैं, तो चंडीगढ़ की टीम मुझे सबसे ज़्यादा लग रही है कि होने वाली है जोरदार। थैंक यू। डेफिनेटली यू कैन से कि पूरी टीम बहुत ही मेहनत से अपनी तैयारी कर रही है। आई मीन मैच शुरू होने से, प्रैक्टिस एक्चुअली शुरू होने से पहले हमारा कुछ 45 मिनट्स का वार्म अप होता है यहाँ पर एंड व्हिच टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी ओवर हियर बिकॉज रीज़न ये है कि यहाँ पर फैंस नहीं है एंड एक ही फैन देख सकते हैं जो हमने स्पेशली बंद करके रखा ताकि जो बॉडी वार्म अप होती है वो ठंडी ना हो जाए। प्रेशर नो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी प्रेशर बिकॉज दिस BCL इट्स डेफिनेटली इट्स लाइक इन अ कॉम्पिटिटिव मैच टूर्नामेंट थिंग बट इट्स अ फन थिंग आई बिलीव। टफ टीम दिस नो लाइक सच टफ टीम, इट्स जस्ट दैट कि
agar aap dedicated to towards your practice and then match coming up match and aap kuch bhi tough lagega nahi agar aap pura 100% de rahe ho apne practice ko apne matches ko then nothing tough there excitement definitely because I'm eagerly waiting for 12th of January February because definitely Delhi ko face karna I'm sorry 12th of right? First match thank you गई नहीं अब तक